हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। एज यू नो कि मैंने न्यू चैप्टर स्टार्ट करा था कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसकी मैंने ऑलरेडी 3 से 4 क्लासेस ले ली हैं, जिसमें मैंने आपको बेसिक समझाया है कंपाउंड इंटरेस्ट का, बेसिक फर्स्ट क्लास में, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फार्मूला, वो भी मैंने आपको 2 तरीके सिखाए हैं, ठीक है। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जल्दी करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट से डरना नहीं है, तो प्लीज़ पहले जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही ईजी लगेगा और बहुत ईजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा डरावना लगता है, सिंपल इंटरेस्ट तो खैर कुछ है ही नहीं, बट कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस तो करते हैं, बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चंस नहीं करते हैं, स्किप करना चाहते हैं उनको, तो उनके लिए डेफिनेटली मैं कहूँगी कि 2 क्लासेस देख लीजिए। अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो आगे मत देखिएगा। मैं गारंटी आपको दे सकती हूँ कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत पसंद आएगा, अगर आपने जो तरीका मैंने आपको सिखाया उस तरीके से करेंगे तो। ऑल्सो मुझे काफ़ी बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैम डेली एक वीडियो डालें, तो अब से मैंने सोचा है कि मैं डेली एक एक वीडियो डालूँगी। ऑल्सो जो मेरा चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, इसकी बस एक और क्लास लगेगी, उसके बाद ये चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो जाएगा, बेस लेवल ख़त्म हो जाएगा। हायर लेवल के लिए अगर जिसको भी वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो मुझे बता देना कि इसके बाद मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ। व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि मुझे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल रखी है, तो मैं सोच रही थी उसको एक बार ख़त्म करा दूँ, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है और उसमें काफ़ी कुछ है सिखाने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 14th क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट परसेंट एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू इट्स 27 टाइम्स इन 3 ईयर्स। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक क्या है, व्हाट परसेंट एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, यानी कि आपको बताना क्या है, इसमें रेट बताना है, किस परसेंट से एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें कि हमारा जो सम है वो कितना अमाउंट करे, 27 टाइम्स अमाउंट करे, कितने साल में, 3 साल के अंदर अंदर, राइट। क्वेश्चन क्लियर हुआ, पूछा गया है क्वेश्चन में आपको रेट बताना है, कैसे आपको रेट ऐसे बताना है कि आपका जो अमाउंट है वो 3 साल बाद 27 टाइम्स हो जाए। सी ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको प्रीवियस वीडियो में, आप एक बार जाके क्लियर देख ले सो दैट आपका थोड़ा सा बेस बन जाए, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस करना कैसे हैं, आपको बोला क्या है कि आपका एक अमाउंट है एक्स, आपको चाहिए कि वो 27 टाइम्स बन जाए, ठीक है। आपको क्या चाहिए, 27 टाइम्स बन जाए। अगर मैं इसको सिंपली लिखूँ कि आपका अमाउंट 1 है, आपको उसको 27 टाइम्स बनाना है 3 साल में। मैंने क्या सिखाया था, जितनी ईयर्स पहले, तो 2 चीज़ें आती हैं यहाँ पर, जो मैंने सिखाया है वो है जितना ईयर दिया है उतना आप रूट निकालो और उसको रेशियो में लो। अब ये 2 क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि हमने ऐसे क्यों करा, उसको रेशियो में क्यों रखा और हमने उसका क्यूब रूट क्यों निकाला। तो देखो ये जो आपको दिया है वो 3 साल का दिया है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है वो 3 साल का दिया है कि आपका एक अमाउंट है 1 रुपीज़, वो 3 साल में 27 रुपीज़ बन जा रहा है। और मुझे क्या निकालना है, रेट निकालना है। पहली चीज़, रेट जब निकालना है तो रेट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज्ड इन अमाउंट, राइट। रेट क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज इन अमाउंट। जब हम रेट निकालते हैं, सपोज़ 10 रुपीज़ का मैं 10% रेट निकाली, मैंने क्या बोला 10 रुपीज़ का 10% से इंक्रीज़ हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल्सो मीन ना इंक्रीज़ हुआ, तो मैंने बोला 10 रुपीज़ का 10% से इंक्रीज़ हुआ, दैट मीन्स क्या 11 रुपीज़ बन गया, यानी कि 10 रुपीज़ मेरा 11 रुपीज़ बन गया, दैट मीन्स 10 रुपीज़ से मेरा 10% इंक्रीज़ हो गया, 11% बना, ठीक है। तो जब हम 10 रुपीज़ से 11 रुपीज़ में जाते हैं, तो अगर मुझे रेट ना दिया हो और ये चीज़ दी हो तो मैं निकालूँगी कैसे, निकालूँगी कैसे, मैं क्या करूँगी, इंक्रीज्ड इन अमाउंट, दैट मीन्स 1 बेस 10 × 100, ये करके मेरा आ जाएगा 10 रुपीज़। बस यही चीज़ तो मुझे यहाँ भी करनी है, मुझे रेट निकालना है, रेट मींस सेम थिंग, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उनको रेशो में लिखा, ताकि मैं इंक्रीज इन अमाउंट निकाल सकूँ, उसके बाद बेस से इंटू 100 कर सकूँ, गेटिंग इट, ठीक है। अब बात आती है क्यूब रूट क्यों निकाला मैंने,
क्यूब रूट मैंने इसीलिए निकाला क्योंकि देखो आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, राइट? 3 साल का दिया ना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैं क्या करूँगी, पहले 3 साल से 1 साल में जाऊँगी। अगर मेरा 3 साल में 1 से लेकर 27 अमाउंट यानी कि 1 रुपीज़ 27 बन रहा है, तो 1 साल में कितना बनेगा? अगर 3 साल में 1 रुपये मेरा 27 बन रहा है एक 13% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो 1 साल में वो कितना बनेगा? अब मैं 1 साल का क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे रेट निकालना है। रेट मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 साल का नहीं निकाल सकती, क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में एक सर्टेन अमाउंट यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट से इंटरेस्ट नहीं इंक्रीज होता है, इसीलिए मैं उसको 3 साल का कैलकुलेट, मैं ये नहीं कर सकती कि 27 दैट मीन्स इंक्रीज इन रेट और बेस ले लिया इनटू 100, क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है ये। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर फिक्स्ड पर्सन से अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता तो मैं कर सकती थी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इसीलिए पहले मुझे 1 ईयर में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, क्यूब रूट निकाला, राइट? क्यूब रूट निकाला तो कितना बना, 1:3। अब ये मेरा 1 साल का बन गया कि 1 साल में मेरा 1 रुपये 3 रुपीज़ बन रहा है, ठीक है? 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के मेरा 1 रुपीज़ 3 रुपीज़ अमाउंट कर रहा है, तो बताओ फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 1 है, 3 रुपये बन रहा है, इंक्रीज़ कितना हुआ, 2 रुपीज़, बेस कितना है 1, इंटू कितना होगा 100 से, तो ये कितना हो जाएगा अमाउंट, 200, दैट इज़ योर आंसर हियर, ठीक है? गेटिंग इट, ईजी था ये। अगर आप सीखोगे ना, इससे आपका बेस बढ़ेगा। शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखा रही मैं आपका बेस क्लियर कर रही हूँ। हम एक्चुअल में क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करते हैं, हम इनको फ्रेम कर देते हैं फॉर्मूले में, ठीक है? बनता ही यहीं से ही है, ठीक है? बनता ही यहीं से ही। आप देखो यहाँ पर 27 लिखा है, यहाँ पर क्यूब लिखा है, हम क्या करेंगे, ये क्यूब हटाने के लिए क्या करोगे आप, इसका क्यूब रूट करोगे, तो यही तो यहाँ पर किया है, वही मैंने चीज़ करी, मैंने भी क्यूब रूट ही निकाला। यही होता है, हर चीज़ का आप फॉर्मूला बना देते हो, आप बेस नहीं सीखते हो, तो मैं पहले बेस सिखाती हूँ उसके बाद आपको कराती हूँ, गेटिंग इट, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15th क्वेश्चन है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अर्न्स 540 रुपीज़, ठीक है? अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अर्न 540 रुपीज़ एज सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स। इफ़ इट अर्न्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ इतना एट सेम रेट इन 2 ईयर्स देन फाइंड द अमाउंट। देखो ये क्वेश्चन देख के आप डेफिनेटली घबराने वाले हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट भी दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया, और आपको प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है? इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है, जब सिंपल इंटरेस्ट देखते हो ना तब तो आराम से बैठ जाया करो, आहा सिंपल इंटरेस्ट है, कुछ करना ही नहीं है उसमें, कुछ करना ही नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा ईजी होता है, मैं बताती हूँ कैसे ये हमारा क्वेश्चन ईजी करेगा, ठीक है? देखो, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अर्न्स 540 एज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? एक सर्टेन अमाउंट है, अमाउंट हमें नहीं पता क्या है, वो सिंपल इंटरेस्ट अर्न करता है 3 साल का 540। हमें ये पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है और वो हर साल का सेम रहता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप 540 को डिवाइडेड बाय 3 करोगे, आप डिवाइडेड बाय 3 क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 3 ईयर्स दिया है, राइट? 3 ईयर्स दिया है, वही मैंने यहाँ पर लिया है, गेटिंग इट? 3 पता चल गया, क्योंकि 3 साल का इंटरेस्ट है, ऑल ये बहुत बेसिक है, 3 साल का इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने 3 से डिवाइड करा सो दैट मुझे 1 साल का इंटरेस्ट पता चले, ठीक है भाई? आपको 1 साल का इंटरेस्ट पता चल गया कितना है, 180 है, क्लियर? इतना क्लियर सभी को, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आई गेस इसमें, ठीक है भाई? हमें क्या पता चला कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 180। अब देखो सबसे पहले सबसे बहुत बेसिक चीज़ जो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, CI दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट सेम रहता है, सेम रहता है। अब रीज़न वाई, बिकॉज फर्स्ट ईयर दोनों क्या करते हैं, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी सिंपल इंटरेस्ट भी। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस यहाँ आता है कि नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तब तो वो सीधा सीधा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल है तो सिंपल ही जाके प्रिंसिपल के पास जाता है और उस पर इंटरेस्ट लगाता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट है,
वो क्या करता है, पहले प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट देता है, उसके बाद जो पिछले साल आपको इंटरेस्ट मिला था ना उस पर भी इंटरेस्ट देता है। तो डिफरेंस यहाँ आ जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल के पास भी जाता है इंटरेस्ट देने के लिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट के पास भी जाता है कि इंटरेस्ट मैं भी तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। बट फर्स्ट ईयर में दोनों प्रिंसिपल के पास ही जाता है इंटरेस्ट देने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर है ना। फर्स्ट ईयर में तो आप प्रिंसिपल पे लगाओगे, आपके पास कोई इंटरेस्ट तो है ही नहीं जिसमें लगाने के लिए। तो फर्स्ट ईयर दोनों प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगाते हैं, ये चीज़ क्लियर आपको? अब देखो, इफ़ इट अर्न्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3.76 एट सेम रेट इन टू ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर सेम अमाउंट पे लगा रखे हैं, सेम रेट से लगाए हैं, बट डिफरेंस ये है कि कब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 3 साल का लगा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। अब यहाँ ईजी कहाँ होगा? देखो क्या होगा कि आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, ये आपका पहला प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता रही हूँ मैं आपको। पहले ये आपका प्रिंसिपल लिखते हैं, उसके बाद ये आपका फर्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट लगता है प्रिंसिपल का। अब याद करो, आपने जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करा था, सिंपल इंटरेस्ट 540 दिया है, 3 साल का दिया है, डिवाइड बाई 3 करा था, 1 साल का कितना है 180, यानी कि फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे कितना लगा, 180 लगा। तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो प्रिंसिपल पे 180 ही लगेगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलो ठीक है, ये इतनी चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जब हम सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करेंगे, पहले तो प्रिंसिपल पे लगेगा कितना, 180। ठीक है, पहले वो प्रिंसिपल पे लगेगा 180, उसके बाद ये। अब देखो, आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो सेकंड ईयर का कैलकुलेट होता है, पहले तो वो प्रिंसिपल पे होता है, उसके बाद क्या होता है वो इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होता है। अब आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है यहाँ पर, जो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का दिया है, वो कितना दिया है, 2.67, राइट, इतना ही तो दिया है। उसमें से 180 यहाँ आया, 180 यहाँ आया, बचा कितना, 16.20, इतना बचा। अब ये बचा है, यही हमारा आंसर देगा। कैसे? देखो, ये जो 16.20 है, ये हमारा किस पे कैलकुलेट हुआ है, 180 पे, राइट। तो कैसे करेंगे इंटरेस्ट, कैसे निकालेंगे? देखो, इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना है, हमें इतना सब पता चल गया। हमें पता चला कि जो हमारा 180 है, 16.20 है, राइट, वो हमारा कितने पे दिया है, वो हमारा दिया है 180 पे दिया है, राइट। तो फिर ऐसे लिखो, 16.20 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100। अब यहाँ से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि जो 16.20 है, ये 180 का कितना परसेंट है, यही तो हमें जानना है, हमें रेट ही तो निकालना है। जो 16.20 है, ये 180 का कितना परसेंट है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये 9% आएगा। कितना आएगा, ये 9% आएगा। ठीक है, अब 9% हमें मिल गया, 9% मिल गया। अब देखो, ये 9% हम यहीं से निकाल देते हैं कि 180 ये हमारा 9% है, तो हमारा 100% कितना होगा, यही तो करना था। अब इसको सॉल्व करो कि कितना आएगा, आंसर आएगा तुम्हारा 2000, विच इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर देखो, आप इस जैसे बुक ने करा है, इस फॉर्मूले से करते ना, तो आपको इतना लेंदी करना पड़ता। ऑल दो आप देख सकते हो, आपको कोई मना ही नहीं है, आप देख सकते हो, बट ये जो फॉर्मूला है, ये बेसिक है, यहीं से ये फॉर्मूले डिराइव हुए हैं, राइट। यही जब बेस करोगे, जब बेसिक करोगे, वहीं से तो फॉर्मूले बनेंगे। जब आप शॉर्टकट निकालते हो, तो कैसे निकालते हो, पहले पूरा सॉल्व करते हो, फिर लास्ट में उसका जो कंक्लूजन निकलता है, उसी को फॉर्मूला बना देते हो, यही चीज़ होती है। बट आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक नहीं पता होगा ना, तो फिर आप अटक जाओगे, फिर निकल नहीं पाओगे। इसीलिए बेसिक से ही करो, मेरी मानो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ 400 अमाउंट्स टू 441 इन 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल में आपका 400 441 बन जाता है। ठीक है, वॉट विल बी इट्स अमाउंट इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज्ड बाई 5%। अब यहाँ आपको इनडायरेक्टली पूछा क्या है, रेट पूछा है,
कैसे, जब आपको पहला वाला रेट पता होगा उसी में तो आप ऐड करोगे 5%, जब ऐड करोगे तभी तो निकालोगे कि नेक्स्ट आपका अमाउंट कितना बनेगा। गेटिंग इट? क्वेश्चन को पहचानना ही बहुत ज़रूरी है कि पूछा क्या गया है, राइट? देखो अब करेंगे कैसे, सिखाया था मैंने ये चीज़, सिखाई है ना, अभी सिखाई है जस्ट। आपको क्या बोला है कि आपका 400 है रेशियो 441 बन जाता है। रेशियो क्यों निकाली, रेशियो क्यों लगाया पता है ना, क्योंकि रेट निकालना है, ठीक है। ये इतना बन जाता है और अंडर रूट किससे करेंगे हम, 2 से करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा 2 दो साल में ही बोला है, दो साल में बोला यहाँ ये 20 निकलेगा, यहाँ ये 21 निकलेगा, ठीक है। 20 और 21 आ गया, ओके। उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, क्यों? 20 21 रेट निकालेंगे कैसे, इंक्रीज़ कितना हुआ 1 से, प्रीवियसली कितना था 20 था, रेट निकालने के लिए 100 करेंगे कितना निकलेगा 5 निकलेगा। यानी कि पहले हमारा रेट ऑफ़ इंटरेस्ट कितना था, पहले हमारा रेट ऑफ़ इंटरेस्ट कितना था 5 था, उसमें 5 और ऐड कर दो कितना बन गया 10 बन गया। 10 से 400 हमारा प्रिंसिपल है, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई 5 व्हाट विल बी द अमाउंट। दो साल का निकालना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो साल का ही दिया है कि ये पहले दो साल का 441 था, अब हमारा जब रेट इंक्रीज हुआ तो कितना होगा, तो कैसे निकालोगे 440। यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ पर आएगा 40, क्यों 10%, फिर 40, फिर इसका 10% कितना होगा, कितना होगा इसका 10%, इसका 10% कितना होगा 4 होगा, 40 40 80 प्लस 4 यानी कि 84 को ऐड कर दो 400 में, 484 विच इज़ योर ऑप्शन नंबर ए, राइट? गेटिंग इट? ईजी था, कुछ करना ही नहीं है, एक बार सीख लो। अब देखो ये कितना लंबा तुम्हें सॉल्व करके बताया, इतना टाइम वेस्ट करते हैं बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17। अ सम ऑफ 8,400 टेकन अ लोन अ सम ऑफ 8,400 वॉज टेकन एज अ लोन इज टू बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली देन वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ से आपको आता है नया सीखने के लिए, क्यों? देखो आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला मैंने सिखाया नहीं है, हाउ टू कैलकुलेट इक्वल इंस्टॉलमेंट, राइट? तो मैं वो आपको अभी यहीं सिखाऊंगी कि इक्वल इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके लिए ऑल दो फार्मूला आपके पास ये है, यही फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला कैसे है, ये आपका बेसिक फार्मूला है। यहाँ पर आपका क्या आता है, यहाँ पर आपका आता है अमाउंट, जितना आपने लोन लिया है, ये आपका बनेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये आपका बनेगा सेकंड इंस्टॉलमेंट, अगर 3 साल का है थर्ड इंस्टॉलमेंट निकालिए, तो ऐसे ही ऐड करो और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 2 के बदले 3 रखना एंड सो ऑन। अगर 4 है 4 साल का निकालना है तो पावर 4 रखनी है। अब आपको पता है जितने ज़्यादा होगा, अगर पावर आ जाती है ऑल्सो इन डिनोमिनेटर पावर आ जाती है, तो दैट विल बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड वाइल कैलकुलेटिंग, ठीक है। तो हाउ टू सॉल्व इट विदाउट यूजिंग दिस फार्मूला, राइट? एंड दैट विल बी योर बेस, ठीक है। वहीं से आपका फार्मूला डिराइव हुआ है। अब देखो करना कैसे है सॉल्व, दो स्टेप करने हैं बस, दो स्टेप में ही आंसर आएगा, 1 and 2, दैट्स इट। पहले आपको देखना है आपका रेट कितना दिया है, रेट 10% दिया तो रेट में 1 ऐड कर दो। अब ऐसे मत करना कि 10% में 1 ऐड कर दिया दैट विल बी योर 11 एंड दैट विल बी योर एडेड रेट, नहीं। 10% कैसे, 1 ये आपका रेट, इसमें ऐड करना है आपको 1 और सिंप्लीफाई करके करना, सॉरी आई एम सो सॉरी, और सिंप्लीफाई करके करना ऐसे, ठीक है। उसके बाद एट द एंड कितना बन जाएगा, 11/10, ठीक है। यह हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, राइट? सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये 11 पहले है, इसको पहले लिखो, रेशियो 10 लिख लो, बस आंसर आ गया। अब पूछो कैसे, ठीक है। देखो ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करा, अपने रेट में 1 को ऐड कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद जो हमारा रेशियो आया, मैंने उसको ऐसे रेशियो की, जो हमारा फाइनल आंसर आया, मैंने उसको रेशियो के फॉर्म में लिख दिया 11:10। अब ये दोनों चीज़ आपको याद है, ये दोनों चीज़ याद है, क्या क्या, 11/10 और दूसरा 11:10, ठीक है। अब आपका जो
प्रिंसिपल यानी कि जो अमाउंट दिया है, हम प्रिंसिपल तो नहीं कहेंगे, अमाउंट कहेंगे क्योंकि हमने लोन लिया है ना, तो अमाउंट जो है उसमें पहली चीज़ आपको क्या करनी है, ये रेशियो। अब देखो फर्स्ट स्टेप आपका ये था, सेकंड स्टेप आपका ये था, अब जाना है उल्टा, पहले सेकंड स्टेप में जाएंगे। क्या करना है, इन दोनों में से जो बड़ा है उसको ऊपर लिखो और ऐड कर दो दोनों को। अब पता है ना डिनोमिनेटर में कैसे लिखते हैं, ऐड करके, और इनटू, अब इसको एज इट इज़ लिख दो। ये करके जो आपका सॉल्व करके आएगा दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी द अमाउंट विच विल बी गिवन एज इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट जो आपको ईच इंस्टॉलमेंट ऑफ द सेम वैल्यू पूछी है, ये आंसर होगा उसका। अब मैं थ्री ईयर्स का भी सिखाऊंगी बट अभी उसके क्वेश्चंस नहीं है, तो पहले लेट्स फोकस ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड देन आफ्टर वर्ड्स विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट थ्री ईयर्स इक्वल इंस्टॉलमेंट, राइट। तो पहले हमें क्या करना है, ये हमारा क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है यानी कि अमाउंट दिया है, रेट हमें ये दिया है, तो 10% रेट दिया है ना, 10% में 1 ऐड करोगे तो आपका 11/10 आएगा, कितना आएगा 11/10, राइट। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, 11/10 जो ये आपका आ गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, ये करना था 11:10। ठीक है, अब देखो ये करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो माइंड में ही कर सकते हो कि भाई जो आपका रेशियो में आया है, मतलब जो आपका पॉन में आया वही आपका रेशियो में आएगा। ठीक है, ये आप पता क्या सॉल्व करते रहोगे ना, तो ये आपका माइंड में अपने आप होते रहेगा, आपको फिर आंसर कुछ करना ही नहीं होगा, एक लाइन में आपका बनेगा कैसे, यह 10 है, 10 में 10% माइंड में करो, 10/100 यानी कि 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी कि 1/10, 1/10 में +1 करेंगे तो 10 × 1 +1 11/10, 11/10 को क्या करना है, 11 बड़ा क्या है 11, दोनों का ऐड कर दो, कितना आएगा दोनों को ऐड करके 21। ठीक है, अब रेशियो हमारा आंसर क्या आया था, 11/10 आया था, उसको भी ऐसे लिख दो, ये है आपका आंसर, ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आएगा 4। अब 4 11 × 11 121 × 4 कितना होगा 484 एंड दैट इज़ योर आंसर। उसके साथ एक ज़ीरो लगा दो क्योंकि यहाँ पर एक ज़ीरो बचा रह गया था, राइट। तो यहाँ पर आंसर क्या निकला हमारा, 484 ज़ीरो यानी कि 4840, राइट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, अ मैन बोरोज 5100। ठीक है, एक मैन है, उसने कितने बोरो करे हैं, 5100 टू बी पेड बैक विथ कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% बाई द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, टू इक्वल इंस्टॉलमेंट, हाउ मच विल इक्वल ईच इंस्टॉलमेंट विल बी। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही है, कैसे करना है, 4% है, 4% में 1 ऐड करो कितना होगा, 4% में अगर आप 1 ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 4% में 1 ऐड करके आपका आंसर आएगा 26/25। इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, कैसे, ये आपका क्या है, अमाउंट है, राइट। इसमें पहले क्या करोगे, इसमें पहले करोगे 26/25 आया था, तो बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर है 26 और दोनों का ऐड करके लिखोगे 51 इंटू क्या करोगे, 26/25 आया था, इसको एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, ये जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 270.4 एंड इसको सॉल्व करना इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आएगा 100, ये आएगा 4, इसका स्क्वायर सभी को आता होगा, इंटू 4 करना है, दैट्स इट, दैट विल बी योर आंसर, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन उन्होंने ये दिया है कि यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट बता दी है, इंस्टॉलमेंट है 121, अब आपको फाइंड करना है कि अमाउंट बताओ। अब आप सोचो कि अब ये कैसे करें, कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने सिखाया था वही स्टेप फॉलो करो। कैसे, यहाँ पर आपको 10% दिया, अब तो आपको रटा होना चाहिए कि कितना आएगा, 11/10 है इसका आंसर। अब देखो 11/10, अगर आप 1 को में नहीं कर सकते तो ऐसे करो, एक अमाउंट है आपके पास x, ठीक है, जो आपने लोन लिया है x है, ठीक है, इसमें अगर आप ये सब कैलकुलेट करोगे जो मैंने सिखाया, कैसे, पहले क्या करना है, 10 11/10 है, बड़ा नंबर क्या है 11, दोनों का एडिशन 21,
फिर क्या है 11/10, उसको एज़ इट इज़ लिखोगे तो ये जो वो आपका आंसर आएगा ये क्या होता है, आपका फाइनल इंस्टॉलमेंट होता है, जो कि किसके इक्वल है, 121 के इक्वल है, राइट right? किसके इक्वल है, 121 के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप 11 × 11 करते हो तो आंसर यही आता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि आंसर आपका होगा 210, विच इज़ योर आंसर, कितना होगा 210। अब आपने ये कैसे करा, आपको पता है कि आपको, आप जो ये कैलकुलेशन करते हो वो क्या फाइंड आउट करने के लिए करते हो, फाइनल इंस्टॉलमेंट। तो भाई फाइनल इंस्टॉलमेंट आपको गिवन है, इक्वेशन में जब आपको गिवन होता है तो आप क्या करते हो, जो आपको पूछा है उसको एक्स रख दो ना, बाकी आपको करना ही क्या है, उसको एक्स रख दो, बाकी इक्वल्स टू में अमाउंट लिख दो, बस आ गया आपका आंसर। एंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। इज़ देर एनी कन्फ्यूजन, कोई भी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी कमेंट बॉक्स, ठीक है, आई विल डेफिनेटली आंसर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है एंड इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। कहाँ पूछा गया था, SSC CPO में। अ सम ऑफ 11,000 वॉज टेकन एज लोन, दिस इज़ टू बी पेड इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% कंपाउंडेड एनुअली देन द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज। अब ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं कराऊंगी क्योंकि मैं ये क्वेश्चन होमवर्क में देना चाहती हूँ, एटलीस्ट इतना सिखाया, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आप खुद करोगे डेफिनेटली, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या सही आंसर है। यहाँ से तो आपको पता चल गया होगा सही आंसर इज़ डी। आप ये सॉल्व करके कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैम डन, ठीक है, कॉमेंट बॉक्स में अगर आप डन लिख दोगे तो आई अंडरस्टैंड कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया है एंड मैंने जो सिखाया था दैट इज़ सक्सेसफुल एंड यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम wants to tell you, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड डेफिनेटली बताना भूलना मत कि नेक्स्ट मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ, सो दैट मैं पहले से ही प्रिपेयर रहूँ उस चैप्टर के लिए, राइट, और आपको और अच्छा कंटेंट दे सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज़ टू लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।